हाँ सामान वगैरह लेने में टैक्स डॉलर नहीं मिल रहा था। हेलो हेलो, आज हम यहाँ पर बढ़िया बारबेक्यू कर रहे हैं। हमने डिसाइड किया कि बारबेक्यू करते हैं। मेरा का यस, यू आर द बारबेक्यू आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आपने टाइटल एंड थंबनेल से तो देख लिया होगा, आज मेरी पूरी फैमिली आ रही है यहाँ पोलैंड, मतलब दिल्ली से। इतने टाइम से मैं अकेले घूम रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत फैमिली को भी यूरोप घुमाते हैं। एंड पिछले 3 साल से कोविड की वजह से इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन थी कि कुछ भी हम साथ प्लान नहीं कर पाए। लास्ट हमने जो इकट्ठे ट्रिप करी थी वो थी दुबई की। अगर आपने मेरी दुबई की फैमिली सीरीज़ देखी है तो सबसे पहले भी मुझे जाना है उनको एयरपोर्ट से पिक करने, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी फ़्लाइट यहाँ मेरी सिटी की नहीं है। मैं बहुत बार आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि अगर आप यूरोप के बाहर से कहीं फ़्लाइट ले रहे हो पोलैंड की, वो मोस्ट प्रॉब्ली वॉर्सो एयरपोर्ट पर आएगी, क्योंकि वॉर्सो इनका मेन एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। एंड मैंने पोलैंड की बहुत ही कम वीडियोज़ बनाई हैं, इनिशियली बिल्कुल स्टार्टिंग में बनाई थी, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को ही पोलैंड दिखाता हूँ एंड फैमिली को ही घुमाता हूँ। वेरोनिका तो साथ नहीं जा सकती पिकअप करने, क्योंकि पहले ही गाड़ी में सिर्फ 5 जनों की जगह है एंड सामान भी बहुत ज़्यादा होगा। तो एक दिन हम वॉर्सो में रुकेंगे, आज थोड़ा बहुत वॉर्सो एक्सप्लोर करेंगे एंड कल हम वापस आएंगे यहाँ वॉर्सो में। तो कल वेरोनिका मिलेगी सबसे एंड फिर हमारे बहुत सारे प्लान हैं यहाँ यूरोप में, आगे मैं आपको व्लॉग्स में बताऊंगा। बहुत सारी ट्रिप्स प्लान करी हुई हैं साथ में, बहुत सारी इंटरेस्टिंग सिटीज़ है जहाँ जाना है एंड इस बार एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा है, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ जाना होगा तो एक बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। सामने बादल इतने बढ़िया लग रहे हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है यूरोप घूमने का। अगर आप भी बहुत टाइम से प्लान कर रहे हो यूरोप आने का, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि हमेशा जून से अक्टूबर के बीच में आना। वेदर भी सबसे बढ़िया होता है एंड सब कुछ बहुत वाइब्रेंट होता है, वरना विंटर में बहुत ही डल होता है यार यूरोप। एक और बहुत वियर्ड चीज़ बताता हूँ मैं आपको यहाँ पोलैंड की, कि आपको हर गैस स्टेशन पे यहाँ पर अल्कोहल मिलेगी। सारी यहाँ पर ये बियर रखी हुई है, ये चीज़ इतनी अननेसेसरी है यार, कौन ड्राइव करते हुए हाईवे से बियर लेगा। तो फुल टैंक के मैंने पे किए 276 PLN, एग्जैक्ट 5000 रुपये बनते हैं ये। यहाँ पर अब फ्यूल का रेट चल रहा है 140 रुपये, बीच में 160 हो गया था तो फिर भी ठीक है। अब यहाँ से अराउंड 1 घंटे की और ड्राइव रह गई है। सो गाइज़ वेलकम टू वॉर्सो। एक बार एयरपोर्ट जाने से पहले मैं हूँ यहाँ अपने एयरबीएनबी में चेक इन करने, जैसा मैंने आपको बताया था एक नाइट हम यहाँ वॉर्सो में स्टे करेंगे एंड गाड़ी की पार्किंग बहुत आसानी से मिल गई, बस टिकट लेके आनी है। हर जगह ऐसे मीटर लगे होते हैं स्ट्रीट पार्किंग के लिए, तो बस ये टिकट गाड़ी में लगानी है। एंड इस बिल्डिंग में एयरबीएनबी जो मैंने बुक कराया, आपको अपार्टमेंट भी दिखाता हूँ अभी जाके। एंट्रेंस करते ही ये उनका पूरा लिविंग रूम है, वेरी नाइस एंड ब्यूटीफुल, प्रॉपर एक फुली फंक्शनल किचन। हमेशा मैं बताता हूँ एयरबीएनबी की सबसे बड़ी एडवांटेज, स्पेशली अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, आपको खाना वगैरह बनाना है, हमेशा एयरबीएनबी कराना, होटल बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं होते यूरोप में। वेरी नाइस काउच एंड टीवी, यहाँ पर सामने बालकनी है, आपको अभी बाद में दिखाता हूँ। एंड वी हैव वन रूम हियर, आई थिंक ये बेड बन जाएगा सोफ़ा, तो एक रूम यहाँ पर है। एंड यहाँ से दिस इज़ द टॉयलेट, वेरी नाइस एंड क्लीन, बहुत ही साफ़ सुथरा मॉडर्न अपार्टमेंट है यार। एंड वी हैव वन मोर बेडरूम हियर, बिल्कुल मतलब वॉर्सो के डाउनटाउन में, तो बहुत ही अच्छी लोकेशन है। एंड अब बालकनी देखते हैं व्यू कैसा है, इतना ब्यूटीफुल व्यू है यार डाउनटाउन वॉर्सो का, यू कैन सी। सो दिस विल बी आर होम फॉर वन नाइट, आज थोड़ा बहुत वॉर्सो एक्सप्लोर करेंगे एंड अब फाइनली चलते हैं एयरपोर्ट एंड पिकअप करके आते हैं सबको। थोड़ा टाइम लग गया अंदर, हाँ सामान वगैरह लेने में टैक्स डॉलर नहीं मिल रहा था। चाचू अच्छा नहीं कर।
अब सनसेट के बाद व्यू और भी इतना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है डाउनटाउन का। कैसा लग रहा है वापस आके यहाँ पोलैंड? अच्छा लग रहा है, सर्दियों से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ सर्दियों में तो फिर ये होता है ना, इतने कपड़े पहने और कहीं भी निकलना है तो सो गाइज इज द नेक्स्ट मॉर्निंग नाउ। कल शाम को आने के बाद सब इतने ज़्यादा थक गए थे क्योंकि 13 घंटे की फ्लाइट थी, तो उसके बाद मैंने ज़्यादा रिकॉर्ड वगैरह नहीं किया। बट नाउ इट्स अ ब्यूटीफुल सनी डे इन वॉर्सो, तो अब थोड़ा बहुत घूमने निकलेंगे। सिर्फ 1-2 घंटे जो मेन यहाँ की चीज़ें हैं वो देखने जाना है क्योंकि मम्मी पापा ने ऑलरेडी वॉर्सो देखा हुआ है जब वो लास्ट बार आए थे 2019 में कोविड वगैरह से पहले, एंड देन फाइनली निकलेंगे वापस घर। सबसे पहले ऑब्वियसली हम आए हैं ओल्ड टाउन। अगर कोई भी फर्स्ट टाइम यूरोप आता है तो सबसे मेजर जो अट्रैक्शन होती है किसी भी सिटी की वो यहाँ यूरोप में होती है, वहाँ का जो हिस्टोरिक ओल्ड टाउन होता है एंड स्पेशली वॉर्सो का बहुत ही ब्यूटीफुल ओल्ड टाउन है। बिल्कुल बिगिनिंग में मैंने चैनल की एक वीडियो भी बनाई थी वॉर्सो की, एंड ओल्ड टाउन में आप कहीं भी चले जाओ हर जगह बिल्कुल मतलब इतनी पिक्चरस्क होती है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा रहे हैं, एंड आज इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, कल बहुत ज़्यादा गर्मी थी बट धूप फिर भी तेज़ निकली हुई है। पिछली बार याद है आप यहीं से तो रात को हम वॉक करके आए थे, जो इंडियन रेस्टोरेंट में खाना नहीं खाया था महारानी में, बिल्कुल यहीं पर है, बस वहाँ से सीधा जाके बस 2 मिनट की वॉक है यहाँ से। अच्छा जब यहाँ पे वो लगे हुए थे ना स्टॉल्स, हाँ वो विंटर के वो क्रिसमस के टाइम पे था। ये है पूरे पोलैंड का सबसे इम्पोर्टेंट स्टैचू में से एक, इसे वॉर्सो अपराइजिंग स्टैचू कहते हैं। World War II में जब ये पूरा मतलब सेंटर डिस्ट्रॉय हो गया था, सिर्फ एक यही स्टैचू था जो बिल्कुल एज इट इज़ प्रिजर्व्ड है उस टाइम का। तो वॉर्सो में 2 मेन स्क्वायर हैं, एक जो मैंने आपको अभी दिखाया था एंड दूसरा ये है पूरा, एंड मेरे पीछे ये रॉयल कैसल ऑफ वॉर्सो। इसके अंदर मैं कभी नहीं गया यार इतने टाइम रह के भी, बट बाहर से इतना ब्यूटीफुल लगता है यार ये एरिया पूरा। तो बस यार इतना ही वॉर्सो घूमना था, सिर्फ यहाँ पर ओल्ड टाउन देखना था क्योंकि अब निकलना भी है, फिर यहाँ से 4 घंटे की ड्राइव है वापस। तो वापस जा रहे हैं गाड़ी में, सामान वगैरह उठाएंगे एयरबीएनबी से एंड वापस निकलते हैं। तो वॉर्सो से आने में अराउंड 3.5 घंटे लग गए, एंड सबको मैंने यहाँ घर ड्रॉप कर दिया था, एंड एक बार वेरोनिका को लेने गया था उसके काम से। वेरोनिका इज हियर, हेलो गाइस, वेरोनिका इज वंस अगेन बैक इन द व्लॉग्स, रेडी टू मीट एवरीवन। यस आई डिडंट सी देम इन सो लॉन्ग, आई थिंक यू मेट देम लास्ट टाइम इन दुबई, राइट? ओह माय गॉड, रियली? यस वी वेंट ऑल टुगेदर इन दुबई, लाइक was it on Diwali? Diwali, last year Diwali. Oh my god, so it's been like 8 months. So let's go inside. Veronica will meet everyone and uske baad hamara plan hai thoda bahut yahan city ghumne ka. Sabko maine ghar pehle drop kar diya tha. Hello everyone. Hello. Hello. How are you? Did you miss me? Yes. I think everybody missed it. So Veronica, what do you want to show them today? So I think we'll explore city center. Yeah, Ostrovtomsky today. Yeah, I think we'll go to the Ostrovtomsky. All right, let's go. तो जने इतने सारे हैं तो 2 गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। Veronica, you'll be driving that one? Yes. Okay, so I'll take the Golf. Who am I taking? You can take, I don't know, anyone. तो जिस जगह हम आए हैं ये मैं आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ, ऑस्ट्रोवतुम्स्की सबसे मेन कैथीड्रल है यहाँ का, तो मैंने सोचा सबको यहाँ का ये कैथीड्रल दिखाते हैं। लास्ट बार आपको अंदर लेके गया था मैं, आ गए तो लास्ट बार जब मम्मी पापा आए थे तो बिल्कुल क्रिसमस का टाइम था 2019 में, एंड यहाँ क्रिसमस पे बिल्कुल मतलब अलग ही लाइटिंग करी हुई होती है इन्होंने, तो बिल्कुल डिफरेंट लगता है। बट इस वक्त भी इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, एंड हम यहाँ से वॉक करके रिवर साइड जा रहे हैं, एक बहुत ही पास में यहाँ रिवर है जहाँ पर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो, एंड सनसेट भी अराउंड 1 घंटे में होने वाला है, तो आपको सनसेट भी दिखाता हूँ। वाओ, when we came here on winters with parents, it was so cold. I remember that I wanted to go to the car as soon as possible because I couldn't take. And you also had hot wine. Yeah, I had mulled wine. Yeah, Veronica, it looks so nice during sunset right now. Yeah. यार इस टाइम पे सब इंजॉय कर रहे हैं आराम से बैठ के।
अगर आपको पैदल नहीं चलना तो आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंट कर सकते हो। You wanna ride? No. इस स्ट्रीट पे इतना मजा नहीं है, बट अगर प्लेन रोड हो तो बहुत मजा आता है चलाने में। Did you park the scooter? Yes. You are vlogging with the camera? Yes. तो वो सामने कैथीड्रल था एंड ये है यहाँ का सबसे फेमस तुम्स्की ब्रिज। समर में बहुत सारे लोग अपनी बोट लेके घूम रहे होते हैं, आप रेंट भी कर सकते हो ऐसी बोट्स। जिस जगह हम आए हैं सबसे फेमस स्पॉट है पूरी सिटी में, अगर आपको सनसेट एंजॉय करना है यहाँ पर इन्होंने ये मैप बनाया हुआ है कि ये जो रिवर है हमारे आगे विस्तुला रिवर, ये आई थिंक वॉर्सो से स्टार्ट होती है एंड यहाँ से ये बीच में व्रॉत्सवा है पूरा एंड ये बर्लिन तक जाती है जर्मनी में, नीचे प्राग है। एंड इन बोट्स की मैं बात कर रहा था जो आप रेंट कर सकते हो, सिटी बोट्स, ये पूरी फुली इलेक्ट्रिक है, सोलर पैनल से चलती है ऊपर। तो अभी ऑस्ट्रूफ टूम्स के वगैरह घूम के वापस जा रहे हैं घर, क्योंकि बारबेक्यू करने का प्लान है। एक्साइटेड फॉर द बारबेक्यू? या हाँ। वेज आपके लिए वो टोफू और वो ले लूँगा ना, यहाँ पर वेजिटेरियन सॉसेज आती है। हाँ। तो दो बारबेक्यू लेंगे, एक वेज एक नॉन वेज। तो घर जाके बारबेक्यू करते हैं एंड आपको यहाँ पर बैक यार्ड में बारबेक्यू भी दिखाता हूँ। एंड यार यूरोप में इतने लंबे दिन होते हैं समर में, ऑलमोस्ट 9 बज गए हैं एंड अभी भी बिल्कुल दिन है बाहर, तो आराम से आप पूरा दिन यूटिलाइज कर सकते हो घूमने के लिए। Veronica? Yes. You are the barbecue queen? Yes, and I'm in charge of vegetarian barbecue. Okay, so what do you have in vegetarian? So we have tofu and we have some vegetarian sausage. This looks like paneer. I think paneer is better. And you know, when we were in the grocery store in India, yeah, tofu was called vegetarian paneer. No, vegan paneer. Soy paneer. Soy paneer, right. Yeah. And saath mein chal rahi hai white. So they don't do it. Just a little bit of batter. And non-vegetarian mein hamare paas hai kebab and Polish sausage. तो वहाँ वेरोनिका बारबेक्यू प्रिपेयर कर रही है एंड बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है फैमिली को घुमाने में। सो गाइस कमेंट ज़रूर करना इफ़ यू वांट टू सी मोर ऑफ दिस वीडियोस, लाइक फैमिली वीडियोस। यू विल डू द टेस्ट टेस्ट? या ओके। ये बारबेक्यू ट्राई करते हैं। घर कबाब तो काफ़ी अच्छा है। तो गाइस खाना वगैरह सब कुछ हो गया, बारबेक्यू बहुत ही बढ़िया था एंड अब हम करेंगे रेस्ट। आई रियली होप आपको ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू लाइक दीज लाइफस्टाइल ब्लॉग्स एज वेल एंड आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट ब्लॉग।